हेलो फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में सीखेंगे तो आपने कैसे अपने घर में जो है बर्ड हाउस लगाने हैं, कहां पर लगाने हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे पास पेट नेस्ट की तरफ से। तो आप चाहो तो बल्क ऑर्डर भी कर सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर है 7201014747 और ये इनकी वेबसाइट है petnest.co.in। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सबसे पहले इसको कैसे आपने टांगना है। जब भी आपने ये बर्ड हाउस लगाना है, हमेशा सावधानी रखनी है कि इसमें ज़्यादा धूप ना पड़े, धूप पानी ना पड़े, और हमेशा आप ऊंचाई पर लगाएं। जैसे ये हमने एक ऑलरेडी लगा रखा है और चिड़ियों को काफ़ी पसंद आया और इवन दो दिन में ही उन्होंने घोंसला बनाना शुरू कर दिया। तो जैसे ये आप देखेंगे तो ये हमारा एक लगा हुआ है और आप अगर हम इस वीडियो कैमरे में तो शायद आप नहीं देख पाएंगे कि उन्होंने घोंसला भी बना दिया है। तो फ्रेंड, जब भी आप कोई भी बर्ड हाउस आप लगाते हैं तो हमेशा ऐसी जगह लगाना है कि जहां पर इंसानी गतिविधियां कम हो, शोर शराबा कम हो। तो पक्षी हमेशा देखता है भाई कि हवा कितनी है, मतलब कैसा माहौल है, पेड़ पौधे हैं कि नहीं, फल फूल हैं, तो उसी के आसपास। तो जैसे हमारे पास बहुत सारे मतलब पेड़ पौधे हैं तो पक्षियों को हमारा घर जो है काफ़ी पसंद आता है। हमने जैसे बेल ये सारे पेड़ कटवा दिए तो पक्षियों को काफ़ी दिक्कत हो रही, तो इसलिए जो है हम चारों तरफ घर में चार पांच ऐसे हाउस लगाएंगे। तो इसको लगाना बिल्कुल आसान है, सरल है। इसको कैसे आपने लगाना होता है फ्रेंड्स, जैसे इसमें दो तरीके होते हैं। जैसे एक तो आपने इसको टांग सकते हैं अपने छज्जे के थ्रू, जैसे ये हमारा छज्जा है, यहाँ पर आप इसको टांग सकते हैं। नहीं तो आप चाहो तो इसके पीछे आपको एक प्लेट लेनी पड़ती है हार्डवेयर की दुकान से, ये आपको प्लेट्स लेनी पड़ेंगी और ऐसे आपको लगाना पड़ेगा दोनों तरफ। दोनों तरफ लगाओगे तभी ये बैलेंस रहेगा, क्योंकि चिड़िया पक्षी कई बार इसके ऊपर बैठते हैं। हमारा जो पुराने वाला जो घर था, हमने उसको सिर्फ एक पत्ती से लगाया था तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, क्योंकि कई बार जो है मैना है, कबूतर हैं, वो भी इसके ऊपर चढ़ते हैं, बैठते हैं। तो दोनों तरफ आपने ये लगाना है और इसको लगाने के लिए जो है आपको ये प्रकार की गिट्टी है दीवार में, ड्रिल मशीन है यहाँ पर, ड्रिल मशीन से जो है दीवार में आपने ड्रिल करना होगा, फिर गिट्टी लगानी होगी। जैसे ये आप वीडियो में देख रहे हैं गिट्टी, और इसको फिर आपने ये काले नट से ये टाइट हो जाएगा। और आप चाहो तो बेहतर मजबूती के लिए जो है यहाँ पर आप इसमें एक प्रकार की क्या कहते हैं, चूड़ी चूड़ी टाइप आती है, वाशर टाइप, आप थोड़ा सा पत्ती भी लगा सकते हैं। तो वी चैनल जी आपको ये मिल जाएगा ऑनलाइन अमेज़ॉन पर, या आप इनको कॉल भी कर सकते हैं 7201014747 से आप ये मंगवा सकते हैं। ये वाला पीस जो है हमें 250 रुपये का पड़ा और 70 रुपये आपका कोरियर चार्ज लगेगा, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो जैसे आप इसको बरसात में लगाओगे तो इसको फिर आपने क्या करना है, वाटरप्रूफ पेंट ज़रूर करना है। अगर हम इसको पानी में लगा देंगे, यानी कि अगर इधर लगा देंगे तो पानी पड़ेगा तो ये प्लाई फूल जाएगी। तो आपने हमेशा जब भी बर्ड हाउस लगाना है काफ़ी ऊंचाई पर लगाना है, हाइट पर लगाना है, और उनको पक्षियों को सेफ फील होना चाहिए। मतलब उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनको कोई पकड़ लेगा, उनको कोई गोली मार देगा। तो हमेशा हाइट पर लगाएं, ऐसी जगह लगाएं जहां पर धूप ना आती हो, बरसात ना आती हो, और क्योंकि पक्षी भी देखता है भाई उसको गर्मी तो नहीं लग रही, उसको ठंड तो नहीं लग रही। तो ये प्रिकॉशन आपने हमेशा ध्यान रखनी है। अगर आपके पास गार्डन है तो आप गार्डन के पास लगा सकते हैं, जैसे हमारा वो छज्जा है उस तरफ ये लगाएंगे ताकि पक्षी जो है आराम से रिलैक्स हो सके। और जब भी पक्षी इस घर में आए तो उसको ज़्यादा तंग ना करें, उनको ज़्यादा घूरे नहीं, उनको बस आराम से रेस्ट करने दें, क्योंकि पक्षियों को ज़्यादा पसंद नहीं होता कि अगर इंसान उनको घूरे या देखे। तो फ्रेंड्स, ये था टिप्स, क्योंकि ये टिप्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। ये टिप्स जो है मतलब बहुत ही कम लोग नेचुरली जो है ऐसे बताता नहीं है कोई, बट आपको खुद ही अपने ध्यान से लगाना, यानी कि आपको खुद ही सोचना चाहिए कि पक्षी को कौन सी चीज़ बेहतर लगे। और इसके साथ जो है आप पक्षियों के लिए नीचे या टांग सकते हैं पानी पीने का जो होता है
बर्ड्स के लिए वाटर फीडर या बर्ड्स के लिए सीड फीडर आता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे धीरे धीरे। जैसे एक हमने यहाँ पर रखा भी हुआ है, तो एक सीड फीडर आता है, ये भी आप लगा सकते हैं इस घर के साथ। जैसे ये हमने घर लगा रखा है, इसके नीचे हम बर्ड्स वाटर फीडर भी लगा सकते हैं। जैसे एक प्रकार का एक लटकता हुआ कह सकते हैं, कई चीज़ें आजकल ऑनलाइन मिल रही है जिसमें आप पानी रख सकते हैं। यहीं पर आप पानी के लिए कोई गिलास विलास टांग सकते हैं जिससे पक्षी आसानी से पी सकें। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप इस प्रोडक्ट को उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं या उनको कॉल कर सकते हैं petnest.co.in, और ये कॉल कर सकते हैं 7201014747। तो इस वीडियो को आप